बच्ची के गले पर चाकू रखकर दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। चाकू की नोक पर एक घंटे बंधक बनाए रखा। सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश लुटेरा। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शहर की तंग गलियों में स्थित एक मकान में दिन दहाड़े एक बदमाश ने घर में घुसकर मासूम बच्ची के गले पर चाकू रख दिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है, बदमाश दोपहर 1 बजे के करीब दिन दहाड़े बेखौफ अंदाज से वारदात को अंजाम देने घर में घुसा था। बड़े इत्मीनान से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है और घर के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके घर में घुस जाता है। जब यह बदमाश घर में घुसा तो उस समय एक 11 साल की मासूम बच्ची, उसकी माँ और दादी घर में दीपावली की सफाई कर रहे थे। इस दौरान बच्ची के गले पर चाकू रखकर घर वालों से बोला कि मुझे सोना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना नहीं है। उनसे कहा कि तुम्हारे कानों में पहने हुए सोने की ज्वेलरी उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस बच्ची को नुकसान पहुंचा दूंगा। घबराकर महिलाओं ने अपने कानों में पहने जेवर उतार कर बदमाश के हाथों में दे दिए, लेकिन बच्ची की दादी ने एक कान का जेवर उतार कर नहीं दिया। उसने कहा कि पहले बच्ची मुझे सौंप दो, फिर मैं बाद में आपको ये दूंगी, जिस पर बदमाश ने ऊपर वाले की कसम खाकर कहा कि मैं इसे छोड़ दूंगा। इसके बाद महिला ने अपने सारे जेवर उतार दिए। इस घटना में जिस बच्ची के गले पर चाकू रखा गया, उसने बताया कि मैं इतना डर गई थी कि मैंने उसे कहा कि मेरी अंगूठी ले लो, लेकिन मेरी माँ और दादी और मुझे छोड़ दो। मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं तो चिल्लाने लगी। मेरे मुंह पर हाथ रखा था बहुत, और चक्कू से डर रहे थे बहुत। मेरे को कुछ नहीं, बात कर रहे थे और मेरी दादी से बहुत फ्रेंडली बात की। हाँ, मेरी दादी से फ्रेंडली बात की और उनको बाल से पकड़ने की कोशिश की। मेरी कंप्लेन थी सर, ऊपर एक आदमी आया था, दरवाजा खुला रह गया बाई मिस्टेक, तो ऊपर आया था और हमसे बोला कि मेरे को सोना दो सोना दो। तो हमने पूछा कैसा सोना, तो बोला नेकलेस दो। इतने में मम्मी किचन से बाहर आए, कैसा नेकलेस, तो ये बच्ची आई तो उसने बच्ची को पकड़ लिया। बच्ची को पकड़ के उसको चाकू लगाया, यहाँ पे चाकू लगा के बोला मेरे को नेकलेस दो नहीं तो मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। ऐसे करके उसने 2-3 बार हमें धमकी भी दी, मतलब हमें आधे से पौने घंटे तक बच्ची को चाकू की नोक पे रखा था सर। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाश की तलाशी में जुटी है। थाना अधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तो परिवार के लोग इतने डर गए थे कि कुछ बता ही नहीं रहे थे। घटना के करीब 3 घंटे बाद इस परिवार का मुखिया पंकज भंसाली जब घर आया, तब उन्होंने बताया कि घर में किस तरह बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बदमाश पुलिस के शिकंजे में होगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यालय में बदमाशों ने ताला तोड़कर चोरी कर ली थी। पुलिस उस चोरी की वारदात को भी नहीं खोल पाई थी कि इस दौरान शहर में दिन दहाड़े इस तरह की लूट की घटना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है।